यूपी टेट का रिजल्ट है दोस्तों, और उसमें आपको जो नया पासवर्ड आप किस तरह से बनाएंगे दोस्तों। फॉरगेट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा मैंने पिछली वीडियो बनाई थी फॉरगेट पासवर्ड की, और मैं नया पासवर्ड बनाने के लिए बहुत सारे दोस्तों की कमेंट आ रही हैं, तो मैंने सोचा इसके लिए एक नई वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करके दे दूँ। तो दोस्तों आज बने रहना वीडियो को पूरा देखना, और आपको मैं आज इसमें जो यूपी टेट का नया पासवर्ड है वो किस तरह से बनाएंगे और फॉरगेट किस तरह से करेंगे वो सब कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच रहे। तो सबसे पहले दोस्तों जानेंगे हम करेंगे सबसे पहले फॉरगेट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें जाएंगे जो एक नया पासवर्ड बनाएंगे, तो सबसे पहले हम पहले डाटा वो भर लेते हैं जो हमारा डाटा इसमें फिल करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर जो डाटा है वो भर लिया है, जैसे यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, ठीक है दोस्तों, और उसकी मदर्स नेम के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डालना होगा डी ओ बी के डालने वाले दोस्तों आपको मोबाइल नंबर वो फिल करना होगा जब आपने आवेदन करते समय दिया था, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपको जो आपकी मेल आईडी के बाद दोस्तों आप सीधे स्पेस इस कैप्चा कोड को इसमें फिल करेंगे, और उसके बाद रिसेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैं रिसेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने नीचे की ओर एक मैसेज शो होकर आएगा, तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर एक लिखा हुआ है, आर्टिकल लिखा हुआ है, काइंडली चेक योर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईमेल आईडी फॉर वन टाइम पासवर्ड है सकते। तो इस तरह से आप देख सकते हो दोस्तों। अब मैं दिखाता हूँ कि जो मेल आईडी है उस पर हमारा जो पासवर्ड है वो गया है, उसे हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर जैसे ही अपना जो फॉरगेट पासवर्ड है वो किया है, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो टाइम मेरा 12:21 हो रहा है, और यहाँ पर 12:21 पर एक मैसेज आया हुआ है यूपी टेट का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों यहाँ पर जो पासवर्ड होता है वन टाइम पासवर्ड वो हमारा यहाँ पर खुश होकर आ जाता है। इस तरह से आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसे मैं दोस्तों एक बार कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करूँगा, ठीक है दोस्तों। अब जाते हैं हमें लॉगिन करना होगा अपना रिजल्ट को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल करेंगे अपना, और यहाँ पर जो अभी आपने मेल से जो पासवर्ड आया था वो इसमें फिल कर लेंगे, और फिल करने के बाद दोस्तों जो कैप्चा कोड है वो भी इसमें फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं इस पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा वेबसाइट प्रोसेस लेगी, और प्रोसेस लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन खुलकर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों दे रहा है वन टाइम पासवर्ड, यानी जो अभी आपने मेल आईडी से जो पासवर्ड लिया था वो इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो एक नया पासवर्ड है वो बनाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप बना सकते हो, जैसे कि आपका मेरा नाम है संजय कुमार, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने कैपिटल में एस बनाया और ANJAY@1234567, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से, और फिर दोबारा से री पासवर्ड आपको डालना होगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मैं यहाँ पर री पासवर्ड भी एक बार फिल कर देता हूँ, और दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने सबमिट पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा पासवर्ड है वो हो गया है सक्सेसफुल। अब हम दोबारा से इसको लॉगिन करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने पासवर्ड को नया पासवर्ड बनाया, और बनाने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो फॉर्म है वो खुलने लगा है, रिजल्ट भी। और इस तरीके से आप अपना रिजल्ट है वो चेक करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इस तरह से अपना पासवर्ड है वो खोल के और अपना रिजल्ट है वो आसान तरीके से खोल के देख सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों में, जैसे कि उनको भी पता पड़ जाए कि पासवर्ड हमें फॉरगेट किस तरह से करना है और नया पासवर्ड कैसे बनाना है। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।